शहर के मानीवाड़ा बेसा रोड के परिवर्तन स्क्वायर स्थित श्री बालाजी गार्मेंट का भव्य उद्घाटन नवरात्रि के शुभ अवसर पर विधायक मोहन मत्ते और विधायक प्रवीण दड़के के शुभ हाथों किया गया। आपको बता दें कि श्री बालाजी गार्मेंट्स बेसा रोड परिवर्तन चौक पर स्थित चार मंजिलाना शॉप है, जहां एक ही छत के नीचे पूरे परिवार के कपड़े आपको मिलेंगे, जिसमें मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर, एथनिक वेयर, वेस्टर्न कुर्ती, ब्राइडल वेयर, लहंगा और भी बहुत कुछ यहां पर देखने को मिलेगा। श्री बालाजी गार्मेंट्स का उद्घाटन विधायक मोहन मत्ते और विधायक प्रवीण दड़के के हाथों भव्य उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुकान में फैंसी एवं ब्रांडेड वस्त्र उचित मूल्य पर उपलब्ध रहेगा, इससे परिसर वासियों को सुविधा होगी। इस मौके पर मोहन मत्ते और प्रवीण दड़के ने शुभेच्छा देते हुए अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। इसके साथ ही इस दौरान बेसिन न्यूज की टीम ने खास बातचीत की है श्री बालाजी गार्मेंट्स के ओनर विद्याधर रंभाट से। आज आपके विधानसभा क्षेत्र में जो है श्री बालाजी गारमेंट्स का उद्घाटन आप करने आए हो, क्या बताओगे? आज नवरात्रि का पर्व भी आज से शुरुआत हो रहा है। नवरात्रि के पर्व पर ही उद्घाटन इस शोरूम का हुआ है। गए 3-4-5 साल से ये बिल्डिंग का काम भी चल रहा था, तो हम यहाँ पे हमारे जो पार्षद हैं मंगलाजय खेकरे, यहाँ पे वो शिव जयंती का उत्सव करते थे क्योंकि प्लाट खाली था, तो आज ही उन्होंने विनती की कि अब आगे कैसा, तो रंबाड़ा साहब ने भी बोला आगे भी चिंता मत करो कि हम भी शिव प्रेमी हैं और निश्चित ही मुझे भी ऐसा लगता है हमारे रेशमा का जो ग्रुप है वो ग्रुप के जो युवा कार्यकर्ता उसमें से एक है, आज उन्होंने शोरूम खोला, उनके साथ उनके पार्टनर भी होंगे, लेकिन जिस हिसाब से और जिस ब्रांड को लेकर वो यहाँ आए हैं तो निश्चित ही यहाँ के लोगों को ये ब्रांड पसंद भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में निश्चित ही यहाँ की जनता जो महाल इतवारी गांधीबाग जाती थी, सकरदरा जाती थी, वो यहीं पे खरीदी करेगी, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है और मैं शुभकामनाएं दूंगा आज उनको कि उनकी आज एक शोरूम है, 5 साल में 5 शोरूम हो गई। आपने अभी विश्वास जताया कि लोगों को यहाँ का जो कलेक्शन है वो मतलब अच्छा लगेगा, आपको कैसा लगा यहाँ का कलेक्शन? ऐसा हमारे ज़माने में तो ऐसे कलेक्शन के लिए हम जाते ही नहीं थे, तो अभी बच्चों की चॉइस भी बदल गई ना, चॉइस बदल गई, ट्रेंड बदल गया, तो जो बच्चों को जो आज चाहिए वो देने का वो प्रयास कर रहे हैं। आपने अभी क्या खरीदी? खरीद आज नहीं करूँगा, नवरात्रि के बाद। लोगों को क्या कहना चाहोगे श्री बालाजी गारमेंट्स? बालाजी गारमेंट्स में सही प्रकार के लोगों के लिए यहाँ व्यवस्थाएँ हैं, खरीदी कर सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये शोरूम में जिस ब्रांड का आज लोग उद्घाटन हुआ है और ये सब सामान्य जनता को भी उसका फायदा होगा क्योंकि रीजनेबल है, 700-800 की शर्ट है, 1000 का पैंट का है, 1200 का पैंट है, तो वैसे भी अपन सिलाते तो उतना पैसा तो लगता ही, तो लोग यहाँ आए और खरीदी करें। आज नवरात्रि का पहला दिन है और इस उपलक्ष्य पे हम देख रहे हैं कि मानेवाड़ा जो परिसर है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शोरूम जो है बालाजी शोरूम का उद्घाटन हुआ है, आप यहाँ आए हो, क्या बताओ? के माध्यम से नागपुर के जनता को बहुत सारी नवरात्रि की, आने वाले दशहरे की, दिवाली की, और बा रंबाड़ हमारा बड़कर शो का दोस्त है, खुद के भरोसे सब खड़ा किया है उसने, और किसी अपने दोस्त ने खड़ा किया, एक दुकान नहीं, दो दुकान नहीं, अभी इसकी 4 दुकान होगी। माझी बाला विनंती एवढीच आहे की त्यांनी आउटर एरिया कॉन्सन्ट्रेट करावा, बेसा, बेलतोडी, हुरकेश्वर, नरसा, डिगडो, निलडो, गोधनी बोकारा, कामठी रोड, या सगळ्या ठिकाणी आता घर मध्यमवर्गीय माणूस राहायला गेला आहे, कोराडी रोड, आणि इथे आता अशा शोरूमची गरज आहे, कारण मोठमोठे मॉल असतात पण मॉलमध्ये त्यांच्या सगळ्या व्यवस्थांचे पैसे पण या कपड्यात लावले जातात, इथे ते होणार नाही याची मला 100% गॅरंटी आहे। आणि बाळासारख्या माणसांनी स्वतःच्या भरोशावर उभं होणं म्हणजे आमच्या सगळ्यांकरता आहे, फार भूषणावा आहे, गर्व आहे आम्हाला त्याचा। आणि बाळ ज्या समाजात येतो त्या समाजाला त्याच्या आरक्षणाच्या अडचणी होत्या, पण त्यात कुठेही न डगमगता त्यांनी स्वतःच्या भरोशावर हा व्यवसाय उभा केला। एकेकाळी बाळा ज्या समाजाचा आहे त्यांची दुकानं होते आमच्या सगळ्या मार्केटमध्ये, आता ते नाही राहिले याचं दुःख आहे आम्हाला, पण आता बाळासारख्या तरुणांच्या होतकरू बुद्धीतीने ते सगळे परत उभे होतील, महाल बाजारातही तिथल्या जुन्या लोकांची दुकानं उभे होतील। माझी तर बाळाला विनंती आहे की महाल बाजारातही त्यांनी एखादं असंच दुकान घ्यावं, आणि तिथून व्यवसाय देणारे अनेक लोक आहेत, त्यामुळे हा व्यवसाय निश्चित मोठा होईल, माझ्या शुभेच्छा आहे। आमच्यासारख्या सगळ्या मित्रांनी थोडं दूर आलं तरी चालेल, पण इथूनच सगळी खरेदी करावी अशी माझी सगळ्या मित्रांना, आप्तस्वकीयांना, त्याच्या सगळ्या मित्रांना हे आहे, आणि आमच्यासारख्यांनी कुठलंही डिस्काउंट मागू नये अशी माझी विनंती आहे।
खूब सारा शुभेच्छा। बताइए सर्व पित्रा महोत्सव के बाद जो नवरात्रि आते हैं वहाँ से खरीदारी शुरू होती है, आपने भी कुछ खरीदारी यहाँ से की होंगी क्या बता? नहीं, खरीदारी शुरू होती है, खरीदारी तो साल भर चलती है, लेकिन किसी दोस्त के दुकान में आएंगे तो खरीदारी करनी ही चाहिए, इसलिए मैं भी 100% करूँगा और मेरे साथ जो सब यहाँ खड़े हो सब करेंगे और इसी दुकान से इसके बाद खरीदेंगे, ऐसा सबको मैं बताऊँ। कलेक्शन के बारे में बहुत अच्छा है, मैं ज़्यादा घूमता नहीं इसलिए मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत अच्छा कलेक्शन। मानेवाड़ा से बेसा रोड जो है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ऐसा शोरूम का आज नवरात्रि के शुभारंभ पर जो है यहाँ पे शुभारंभ हुआ है, उद्घाटन हुआ है मोहन मते, विधायक मोहन मते इनके हाथों श्री बालाजी गारमेंट्स का भव्य ऐसा ये शोरूम है। और यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है यहाँ की जनता को हम जानेंगे। जो ओनर है यहाँ के बालाजी श्री बालाजी गारमेंट के ओनर है बाया रंबाड़, उनसे सर क्या बताओगे कि आपने मानेवाड़ा जो परिसर है, जो बेसा परिसर है, वहाँ पर इतना बड़ा शोरूम ओपन किया है, क्या बताओगे यहाँ के लोगों? ये मानेवाड़ा बेसा शोरूम ये सब पब्लिक के लिए खुला हुआ है और मीडियम रेंज से लेकर हाई रेंज तक है। यहाँ ब्रांड सेक्शन है, नॉनस्टॉम है, क्रिम्सन है, किलर है, लिवाइस है, स्पाइकर है, मुफ्ती है और सेमी ब्रांड भी इसमें। यहाँ पे 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक जीन्स है, हर कैटेगरी के लोगों के लिए हमने एक माल लाया हुआ है, कॉटन, सेमी कॉटन सब कुछ है। और यहाँ पे ब्राइडल सेक्शन है, लेडीज वेयर में किड्स वेयर है, मेन्स वेयर है और लेडीज वेयर है, साड़ी सेक्शन का भी है। ये पूरा सेक्शन हमने मिलाया हुआ है, इसमें कम से कम वैरायटी कम से कम हमारे 200 से 250 वैरायटी हर फ्लोर पे अलग अलग है बच्चों के इसमें और रिजनेबल रेट पे हैं। आप आइए और पधारिए यहाँ पे, देखिए कैसा बनाया है। और मुझे ये बताइए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही दुकान में जो है सभी सुविधाएं यहाँ मिल रही है, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं यहाँ, मतलब फैमिली अगर आती है तो यहाँ से पूरी खरीदारी करके जाए? यहाँ फैमिली शॉप ही है, ये बालाजी गारमेंट एक फुल फैमिली शॉप है, यहाँ पे सब तरह की वैरायटी आपको यहाँ से छोटे बच्चे से लेके तो 60 साल के आदमी तक हमारी पूरी वैरायटी है। तो मुझे बताइए कि जैसे बहुत सारे एरिया है, आपने यही एरिया क्यों चुना? ये न्यू एरिया है और यहाँ डेवलप एरिया है, कैपेसिटी है, लोगों की अच्छे लोग है, पेइंग गैप है, बड़े बड़े रस्ते है, पार्किंग के लिए व्यवस्था बनाई है हमने, सब कुछ किया है और स्पॉट बहुत अच्छा है यहाँ का मानेवाड़ा बेसा रोड में। और आने वाली पब्लिक ये पूरी मानेवाड़ा से ही जाने वाली, सामने पूरे जो नए लोग जो आने हैं रहने के लिए ये मानेवाड़ा बेसा रोड पे ही आ रहे हैं, बेसा रोड, मनीष नगर, गोगली, यहाँ पे जा रहे। तो हमारा जो एंट्रेंस है तो मेन एंट्रेंस भी हमारा दुकान है, इसीलिए हमने ये स्पॉट पकड़ा है क्योंकि हमारा बिजनेस अच्छा हो करके। तो हमने देखा कि ये 3 मंजिलाना श्री बालाजी गारमेंट्स ये मानेवाड़ा से बेसा जो रोड जाता है वहाँ पर स्थित है और हमने देखा कि एक ही छत के नीचे आपको पूरे फैमिली की खरीदारी जो है आप कर सकते हैं कपड़ों की। यहाँ पे हमने देखा कि जेंट्स का सेक्शन है, छोटे बच्चों का अलग सेक्शन है, लेडीज़ का सेक्शन अलग है और एक ही छत के नीचे आपको पूरे परिवार की शॉपिंग आप यहाँ आके कर सकते हैं, क्योंकि अभी त्योहारों के दिन आ रहे हैं, नवरात्रि का पर्व भी शुरू हो चुका है। तो अगर आप भी खरीदारी करना चाहते हैं और पूरे परिवार के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो आप यहां आकर अपनी खरीदारी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज नागपुर। Glanza, go hatchin', go awesome.